एस एकेडमी के मंच से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं और रौरे सो मन के जोहार करोना। तो चला आज हमरे देखे जाती एक नवा टॉपिक जे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट आहे, बहुत ही महत्वपूर्ण आहे। तो ये हमार झारखंड राइज है के झारखंड राइज कर अलग अलग जिला इकर में बताल जाला है। तो यह है कि हमार झारखंड कर रूपरेखा और झारखंड कर नक्शा इमन के बढ़िया से देखवा, इस सब सब्जेक्ट में सब विषय में रौरे मन के काम देवी। तो चला हमरे आगे बढ़ीला। आज एक नवा अध्याय शुरू करक जाती नागपुरी भाषा और नागपुरी साहित्य कर एक कड़ी में नागपुरी कर उद्भव और विकास कैसे होलक, यानी कि नागपुरी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये क्वेश्चन पिछले साल भी आ चुका हो या पिछले पूर्ववर्ती एग्जाम में भी आ चुका हो तो ये क्वेश्चन हर समय रिपीट करता है, इसलिए आप लोगों से निवेदन होगा कि इस क्वेश्चन को बारीकी से देखिए और इसकी विषय वस्तु को बारीकी से समझिए। ये क्वेश्चन एकदम भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नागपुरी कर उद्भव और विकास ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए कि यह विषय है, ये क्वेश्चन हर समय आता है। अगर ये आपका 7 से 10 जेपीएससी में भी आया है तो इस बार आएगा ही आएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बढ़िया से आप ध्यान दीजिएगा और समझिएगा कि नागपुरी कर उद्भव और विकास, यानी कि नागपुरी का उद्भव और विकास कैसे हुआ देखिएगा। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन एकदम बारीकी से और पूरी शिद्दत से पढ़ते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, झारखंड में सबसे लोकप्रिय, सबसे का मतलब सबसे, सबसे झारखंड में सबसे लोकप्रिय भाषा नागपुरी है के, झारखंड में सबसे लोकप्रिय भाषा नागपुरी है। इकर देखिए ऐतिहासिक को नागपुरी में इतिहासिक लिखा जाता है, इकर इतिहासिक मतलब इसका, इकर का मतलब होता है इसका, इकर इतिहासिक सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक, जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में सांस्कृतिक, तो नागपुरी में ऐसे लिखा जाता है सांस्कृतिक, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल की भाषा है तो उसको उसी लहजे में बात किया जाता है। तो झारखंड में सबसे लोकप्रिय भाषा नागपुरी है, इसका ऐतिहासिक सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्ता यानी कि महत्व जबरदस्त आहे, आहे का मतलब है, यानी कि इसका ऐतिहासिक सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ही जबरदस्त है। जेकर से इकर गरिमा में इतिहास कर पता चलेला, जिससे इसके गरिमा में इतिहास का पता चलता है। देखिएगा, झारखंड कर अलावे, झारखंड के अलावे, अब ये भाषा कहां कहां बोला जाता है हम लोगों का नागपुरी, तो झारखंड कर अलावे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार में व्यवहार होएला, क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो यहाँ के लोग थे वो कमाने खाने के लिए अपन जिंदगी के आगे बढ़ाए के लिए वहां पलायन कर जा रहे हैं,
वहाँ विस्थापन के जा रहे हैं और अपन जिंदगी कर गति के आगे बढ़ाए के लिए वहाँ कमाए खाए जा रहे हैं। सेकर ले झारखंड कर अलावे भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार में इकर नागपुरी भाषा बोलल जाएला, बुझल जाएला और समझल जाएला। और बहुत आदमीमान, झारखंडी आदमीमान एखन भी वहाँ रहे ना, है नी? तो यह मन के कटी देखे का है, बुझे का है और समझे भी आहे। बताल जाएला, बताया जाता है कि बताल जाएला कि नागपुरी के नागपुरी भाषा को डेढ़ बताया जाता है कि बताल जाएला कि नागपुरी के डेढ़ करोड़ अदमी मन, देखिए बहुवचन ऐसे ही बनाया जाता है, अदमी अदमी मन, जनी जनी मन, छुआ छुआ मन, अदमी मन व्यवहार में लाने ना, याद रखिएगा। यानी कि बताया जाता है कि नागपुरी भाषा को डेढ़ करोड़ आदमी लोग व्यवहार में लाते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। सदानी, सदरी, सादरी, नागपुरिया, गवारी, गौली, डिक्कू काजी, खट्टा, खुड़बू, इकर बाद नागपुरी नाव से स्थिर, यानी स्थिर होला। कहने का तात्पर्य यह है कि नागपुरी जो भाषा है, नागपुरी, पहले इसको लोग सदानी, सदरी, सादरी, नागपुरिया, गंवारी, गौली, डिक्कू काजी, है ना, खट्टा खुड़गू, इसके बाद इसके नाम में एक स्थिरता आई और इसका नाम नागपुरी नाम से स्थिर हो गया, याद रखिएगा। तो इके पहले काका कहत रहे हैं नागपुरी बोली के, नागपुरी भाषा के, सदानी, सदरी, सादरी, नागपुरिया, गंवारी, गौली, डिक्कू काजी, खट्टा खुड़गू। तब धीरे 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 आगे जाए के नागपुरी नाम ठीर हो गलक, है नी? तो यह कर बात, मुख्य बात के बताल जाला है कि इकर बाद इकर नाम नागपुरी नाम से स्थिर हो गलक। नागपुरी भाषा कर बारे, नागपुरी भाषा के बारे इकर सुन रहे, सुन रहे का मतलब सुंदरता, सुंदरई, सुंदरता देखते बनेला, है नी? नागपुरी भाषा कर बारे जब नागपुरी हमरे बात करीला, गोठियाईला, तो इकर सुंदरता मधुरता देखते है बनेला। चला अब आगे बढ़ीला, देखा एक गीत कर बानगी है के कैसन गीत कर बानगी है नी, यानी गीत का एक नमूना है। तो यहां के लोगों के बारे, यहां की जो नागपुरी भाषा है उसकी मधुरता के बारे क्या बोला जाता है, देखिए। कहाँ के रहे किरौरे, कहाँ के रहने वाले हैं आप, कौन बोली बोली लारे, कौन बोली आप बोलते हैं, रौर मधुर बोली सुनी, मनोनी भरे सोना। मतलब नागपुरी जो भाषा की जो मधुरता है, जो महक है, जो अपनापन है ना, क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि झारखंडी आदमी का चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है, यानी कि यहाँ कर चले की नाच होएला और बोले की गान होएला। तो यही इसकी विशेषता है। कहाँ कर है कि रो रे, कौन बोली बोली लारे, रोर मधुर बोली सुनी, मनोनी भरे सोना। कहने का तात्पर्य क्या है कि कहाँ के आप रहने वाले हैं, कहाँ के हैं आप,
कौन बोली बोलते हैं, ये कोई दूसरे पक्ष ना, जब भाषाओं का जब आदान प्रदान हो रहा है, दो पक्ष आपस में बात कर रहे हैं, तो उसी के दरमियान ये प्रसंग निकल कर आया है। कहां कर है कि रो रे, कौन बोली बोली लारे, रोर मधुर बोली सुनी, मनो नी भरे सोना। तो जवाब क्या देता है नागपुर का आदमी, छोटा नागपुर का, नागपुरक है को मोए तो, मतलब नागपुर का रहने वाला है हम, छोटा नागपुर का, नागपुरी बोली बोलो नारे, छोटा नागपुर के रहने वाले हैं हम और नागपुरी बोली बोलते हैं। रोर मीठा बोली सुनी, आपका जो मीठा बोल है उसको सुन के ऐसे लगता है मानो काने मधुरस चूहे सोना। तो ये सबको एग्जाम में लिखिएगा तो आपको ज्यादा मार्क्स आएगा, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, एकदम थोड़ा सा समझिए कंटेंट को, है ना, उसके बाद एकदम नंबर, हम लोग को अपना नागपुरी में बोलते हैं ना, बहुत सॉलिड नंबर आता है नागपुरी में। तो इसको कम से कम दो लाइन सब लिख दीजिएगा, जो जो आप लोग को बताते जा रहे हैं इसको बहुत ही शिद्दत से और एकदम महसूस करते हुए, है ना, उसको समझते हुए आप लोग देखिए, समझिए और इसको लिखने का भी प्रयास कीजिए। तो यही है, रोर मीठा बोली सुनी, काने मधुरस चुए सोना, यानी कि आप तुम्हारा आपका बोली सुन के ऐसे लग रहा है कि मेरा कान में मधुरस चू रहा है। तो ये हम लोगों का नागपुरी भाषा का विशेषता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए नागपुरी भाषा कर उद्भव जाने के लिए भाषा विज्ञान कर सहारा लेख चाहिए। क्योंकि कोई भी भाषा है, चाहे हिंदी भाषा हो या कोई भी भाषा हो, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि भाषा की उत्पत्ति का 10 सिद्धांत माना गया है, देवी उत्पत्ति, है ना, और रणन सिद्धांत, बहुत सारे भोभो सिद्धांत और कई तरह के सिद्धांत हैं, वो सिद्धांतों को थोड़ा सा भी समझेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नागपुरी भाषा कर उद्भव जाने के लिए भाषा विज्ञान कर सहारा लेख चाहिए। भाषा उत्पत्ति सिद्धांत कौनवे भाषा के या को नागपुरी में या लिखते हैं, याद रखिएगा या, ये देखिए यही है, जितना ठेठ लिखिएगा ना उतना ही नंबर मिलेगा बढ़िया से। भाषा उत्पत्ति सिद्धांत कौनवे, कौनवे का मतलब कोई भी, भाषा उत्पत्ति सिद्धांत किसी भी भाषा के या उकर, उकर का मतलब उसका, भाषा उत्पत्ति सिद्धांत कौनवे भाषा के या उकर उद्भव कर बारे में बताए के ले भाषा संबंधी उत्पत्ति सिद्धांत महत्वपूर्ण होएला। यानी कि कोई भी भाषा कैसे उत्पन्न हुआ उसको जानने के लिए भाषा उत्पत्ति सिद्धांत को जानना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो उसके बारे ये बातें हो रही हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा भाषा उत्पत्ति सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारे भाषाविद, है ना, भाषाओं की उत्पत्ति के लिए प्रमुखता 10 सिद्धांत माने गए हैं, जिसमें आपको मात्र यहां 4 ही सिद्धांत के बारे थोड़ा सा संक्षेप में एक ऐसा समझिए हेडिंग देके लिख देना है। आपको इसमें बहुत ज्यादा गहराई में जाने का दरकार नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है, यहां थेसिस करने हम लोग को करना नहीं है, इसमें बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज खाली लिख दीजिएगा। पहला देवी उत्पत्ति सिद्धांत, दूसरा अनुकरण सिद्धांत, तीसरा श्रम संबंधी सिद्धांत, चौथा धातु संबंधी सिद्धांत और इत्यादि को नागपुरी में क्या बोलिएगा, और मान, इत्यादि आदि आदि को नागपुरी में क्या बोलते हैं, और मान इत्यादि, इसका यही शाब्दिक अर्थ होता है इत्यादि।
भाषा उत्पत्ति का जो 10 सिद्धांत है उसमें 4 सिद्धांत को हम यहां पर इस पे लिख दिए हैं, है ना। पहला आता है दैवी उत्पत्ति सिद्धांत, दूसरा अनुकरण सिद्धांत, श्रम संबंधी सिद्धांत और धातु संबंधी सिद्धांत। देखिए ऐसा माना जाता है कि भाषा उत्पत्ति कैसे हुआ, शायद ये भाषा देवों की उत्पत्ति हो। जब संसार की सृष्टि हुई तो भाषाओं का भी अनायास मतलब कि इसका सृजन हुआ होगा, तो इसी कारण भाषा को दैवी उत्पत्ति सिद्धांत माना जाता है, ठीक है। और दूसरा आता है अनुकरण सिद्धांत। जब संसार में मानव समुदाय जब आया, मानव जाति का जब सृजन हुआ, तो कोई भी चीज को अनुकरण करने से शायद ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा का उत्पत्ति हुआ होगा। अब तीसरा सिद्धांत श्रम संबंधी सिद्धांत, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी अगर कोई भी इंसान कोई अगर काम कर रहा है, चाहे अपने घर में या कहीं पर भी, तो उससे एक आवाज शायद निकला होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई किसान है, अपने खेतों में काम कर रहा होगा तो थक गया होगा तो आह, है ना। या तो फिर किसी भी तरह का कोई भी आप काम कर रहे हैं, कैसे मान लीजिए कुछ काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, या तो हाथ जल गया हो तो आपका अनायास आपके मुख से निकले आह, मतलब एक मनोभाव को प्रकट कर रहा है श्रम संबंधी। आप कुछ भी काम कर रहे हैं और अनायास आपके मुख से जो वाणी निकला हो उसी को श्रम संबंधी सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए धातु संबंधी सिद्धांत। धातु संबंधी सिद्धांत क्या है कि धातुओं के आपस में टकराने से जो आवाज उत्पन्न हुई होगी शायद इसी से भाषा का निर्माण हुआ होगा, ठीक है ना। तो यही सब चीज है भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत, जो आप लोग को बहुत डिटेल में जाने का दरकार नहीं है। तो यही हुआ दैवी उत्पत्ति सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, श्रम संबंधी सिद्धांत, धातु संबंधी सिद्धांत। ऐसे भाषा वैज्ञानिक लोग भाषा उत्पत्ति के 10 सिद्धांत बतलाए हैं, 10 सिद्धांत बतलाए हैं, ठीक। जिसमें पहला दैवी उत्पत्ति सिद्धांत है और इसी को भाषा वैज्ञानिक लोग एक उसको बहुत करीब के नजरिए से देखते हैं।